हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डॉलर आज एक वर्ल्ड करेंसी है। ये पूरी दुनिया में चलता है और कोई भी देश दूसरे देश के साथ जो ट्रेड करता है ना, या जो लेन देन करता है, वो मोस्टली डॉलर में ही होता है। आज डॉलर का पूरी दुनिया में दबदबा है। अब ये बात तो मैं किसी और वीडियो में करूंगा कि डॉलर कैसे वर्ल्ड करेंसी बना और क्यों बना। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि भारत की करेंसी यानी भारतीय रुपए कौन कौन से देश में चलते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि भारतीय करेंसी है ना जो, इन देशों में क्यों चलती है। पर वीडियो शुरू करने से लाल बटन को जरूर दबा दो और ये जो बेल आइकन है ना, इसे भी दबा दो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। वैसे तो आजकल पूरी दुनिया में डॉलर ही डॉलर चलता है, डॉलर में ही बिजनेस होता है और उसी का ही लेन देन है। फिर भी इस दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं जो इंडियन करेंसी को अपने देश में मानते हैं और इंडियन करेंसी भी इन देशों में चलती है। इस लिस्ट में पहला देश है मालदीव्स। मालदीव भी कह सकते हो, जो कन्वेंट वाले हैं वो मालदीव्स बोल देंगे, जो मेरी तरह कम पढ़े लिखे वो मालदीव बोलेंगे। और मालदीव भारत का पड़ोसी देश है और मालदीव के कुछ हिस्सों में इंडियन करेंसी चलती है। यहाँ पर भारतीय रुपए की वैल्यू ना भाई थोड़ी नहीं, ज्यादा ही कम है। यहाँ भारतीय रुपए की कीमत है 0.21 रुपीज, यानी हमारे 1 रुपए और इनके 21 पैसे। यार सच में इंडियन करेंसी यहाँ पे थोड़ी नहीं, ज्यादा कम है। खैर अब आते हैं इस लिस्ट में अगले देश पर, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टाका और यहाँ की कैपिटल है ढाका। दोनों बड़ा मिलता जुलता नाम है, टाका ढाका। वैसे बांग्लादेश में 1 रुपए की ना ये जो इंडियन करेंसी, इसकी कीमत 1.14 रुपए होती है बांग्लादेशी टके के हिसाब से, यानी हमारा 1 रुपया और उनका बांग्लादेशी 1.14 रुपए टके, सॉरी रुपए नहीं सिर्फ टके। खैर अब आते हैं इस लिस्ट में अगले नंबर पर, वो है भूटान, जिसकी करेंसी का नाम है नुगुल तरम। यहाँ पर भी इंडियन करेंसी को लेन देन में यूज किया जाता है और दोनों देशों की करेंसी की जो कॉस्ट प्राइस है ना, एकदम सेम है। हमारा भी 1 रुपया और उनका नुगुल तरम, दोनों की सेम प्राइस है। फिर इस लिस्ट में अगला देश है नेपाल। नेपाल और इंडिया दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, इसलिए नेपाल में भी इंडियन करेंसी चलती है। यहाँ पर वैसे 1 रुपए की कीमत वहाँ के 1.5 रुपए के बराबर होती है। इस लिस्ट में जो आखिरी देश है ना भाई, ये ना तो कोई भारत की नेबर कंट्री है और ना एशियन कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये जो देश है ना, एक अलग ही कॉन्टिनेंट पर है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये देश इतना ज्यादा दूर है भाई, बहुत ज्यादा दूर है ये देश। वैसे अभी तक मैंने आपको जो देश बताए थे ना, उन सभी में इंडियन करेंसी चलती तो है लेकिन लीगल रूप से नहीं चलती है, वहाँ पे सिर्फ करेंसी एक्सचेंज के लिए चलती है। जबकि जिम्बाब्वे में 2014 से इंडियन करेंसी चलती है, वो भी लीगली तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो दे दो यार एक प्यारा सा लाइक और कर दो एक प्यारा सा कमेंट भी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।